हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजू अग्रवाल। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड में स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन में के अनुसार किसी भी अणु में घूर्णन और कंपन गतियां स्वतंत्र रूप से होती हैं। यदि हम अणु को हार्मोनिक ऑसिलेटर माने, यानी कि उसमें एन हार्मोनिक जो करेक्टर जो है वो बिल्कुल जीरो हो, तो अणु की जो कंपन व घूर्णन गतियां हैं मुक्त रूप से होती हैं। और हम जानते हैं कि घूर्णन ऊर्जा की तुलना में कंपन ऊर्जा का मान काफ़ी अधिक होता है। इस प्रकार से किसी भी कंपन और घूर्णन के कारण जो कुल ऊर्जा है उसका मान कंपन ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो इस तरीके से किसी भी अणु की कुल ऊर्जा ई टोटल इक्वल टू घूर्णन गति के कारण घूर्णन ऊर्जा ई आर और कंपन गति के कारण कंपन ऊर्जा ई वी के योग के बराबर होती है। तो ई वी जे इक्वल टू बी जे जे प्लस वन प्लस न्यू ई पार ब्रैकेट में न्यू प्लस हाफ सेंटीमीटर माइनस वन, यानी कि जो ई टोटल है वो इसके इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो फॉर द एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ऊर्जा ये होगी, और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर है तो ई बी जे इक्वल टू बी जे ब्रैकेट में जे प्लस वन प्लस न्यू ई बार न्यू प्लस हाफ वन माइनस ब्रैकेट में न्यू प्लस हाफ ब्रैकेट क्लोज और ए फिर बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेंटीमीटर माइनस वन है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जे जो है घूर्णन क्वांटम नंबर है, इसका मान जे इक्वल टू 0, 1, 2, 3 होता है, और न्यू जो कि कंपन क्वांटम नंबर है उसका मान भी 0, 1, 2, 3 है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ही कंपन स्तर की कुल ऊर्जा उसकी घूर्णन ऊर्जा पर निर्भर करते हुए अलग-अलग होती है। अब है सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल क्या होगा? तो जहाँ यहाँ पर हम देखते हैं कि अपवर्तक प्रकाश का जब अवशोषण होता है तो अणु में कंपन के साथ साथ घूर्णन भी होता है। इस प्रकार से प्राप्त स्पेक्ट्रा को हम कंपन स्पेक्ट्रा नहीं कहते, घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रा कहते हैं, यानी रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं। यदि घूर्णन और कंपन में अंतःक्रिया नहीं होती तो यहाँ पर घूर्णन और तो आवर्त गति जो नहीं होती तो कुल ऊर्जा जो है वो वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी के योग के बराबर होगी। तो यहाँ पर हार्मोनिक ऑसिलेटर है, हार्मोनिक करेक्टर है, और यानी कि हार्मोनिक और रिजिड रोटेटर है कोई
तो मॉलिक्यूल, तो उसके लिए डेल्टा वी इक्वल टू प्लस माइनस वन के बराबर होगा और डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस वन के बराबर होगा। परंतु अगर एन हार्मोनिक एंड नॉन रिजिड रोटेटर है मॉलिक्यूल, तो उस स्थिति में डेल्टा वी न्यू इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, मतलब एक से ज़्यादा जो है वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होंगे और डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस वन होगा। तो डेल्टा जे इक्वल टू जीरो नॉट अलाउड, ये इस तरह के ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर है एक्सप्रेशन फॉर ट्रांजिशन एनर्जी, या हम ये कहें कि काल्पनिक परिवर्तन के साथ साथ यहाँ पर घूर्णन परिवर्तन भी होगा, लेकिन डेल्टा जे इक्वल टू जीरो है वो अलाउड नहीं है। तो एक्सप्रेशन फॉर ट्रांजिशन एनर्जी, तो डेल्टा ई इक्वल टू, अगर हम ये माने कि लोअर स्टेट में जो घूर्णन क्वांटम नंबर जो है निम्न ऊर्जा अवस्था में जे डबल डैश और बी डबल डैश है, घूर्णन क्वांटम नंबर और वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और उच्च अवस्था में जे डैश और बी डैश है, तो उस स्थिति में निम्न और उच्च ऊर्जा स्तर के लिए जो घूर्णन क्वांटम नंबर हैं, अगर बी नंबर जो है बी डबल डैश और जे न्यू डबल डैश और उच्च ऊर्जा स्तर में जे डैश और बी डैश है, तो इनमें अंतर जो होगा, ऊर्जाओं में स्तरों में अंतर जो होगा, डेल्टा ई इक्वल टू ब्रैकेट बी जे डैश ब्रैकेट में जे डैश प्लस वन माइनस बी जे डबल डैश ब्रैकेट में जे डबल डैश प्लस वन प्लस न्यू डैश प्लस हाफ, यानी कि रोटेशनल मोशन के लिए जो जो हायर स्टेट में एनर्जी माइनस लोअर स्टेट में एनर्जी का अंतर प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी इन द हायर स्टेट, ये वाली माइनस एनर्जी इन द लोअर स्टेट, इस इक्वेशन से बता सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि ट्रांजिशन न्यू इक्वल टू जीरो टू न्यू इक्वल टू वन में होता है, तो इसको हम फंडामेंटल वाइब्रे जो है ट्रांजिशन कहेंगे, या हम तो यहाँ पर न्यू जीरो, अब डेल्टा जे इक्वल टू न्यू इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर न्यू इक्वल टू जीरो से न्यू इक्वल टू वन में जब ट्रांजिशन होगा, तो जो स्पेक्ट्रम की दो शाखाएं प्राप्त होंगी, तो यहाँ पर वर्णन नियम डेल्टा जे इक्वल टू माइनस वन वन है, यानी कि जे टू जे माइनस वन में जो है ट्रांजिशन होता है, या तो हमें पी ब्रांच में प्राप्त होती है, पी शाखा संक्रमण से पी शाखा प्राप्त होती है, जबकि जे डेल्टा जे इक्वल टू प्लस वन और जे इक्वल टू जे प्लस वन, तो हमें आर ब्रांच प्राप्त होगी, और डेल्टा जे इक्वल टू जीरो नॉट अलाउड, तो और वी इक्वल टू वी जीरो है, तो कोई लाइन हमें प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब डेल्टा जे इक्वल टू माइनस वन है, तो हमें पी शाखा, और अगर डेल्टा जे इक्वल टू प्लस वन है, तो उस समय हमें आर शाखा प्राप्त होती है, और जो वर्ण नियम के अनुसार डेल्टा जे इक्वल टू जीरो नॉट अलाउड और वी इक्वल टू वी जीरो पर कोई रेखा प्राप्त नहीं होगी, और इसमें स्पेक्ट्रम के दोनों ओर जो है वी जीरो के दोनों ओर जो है समान दूरी पर रेखाएं दिखाई देती हैं, और इन दोनों रेखाओं के मध्य अंतर 2b के बराबर होता है। तो हम और ये दो रेखाएं जो है एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होती हैं।
तो इस प्रकार से देखा गया है कि ये जैसे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल को बता रहा है, यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रा है इस डायरेक्शन में प्री पी ब्रांच और इस डायरेक्शन में आर ब्रांच होगी प्राप्त। इस प्रकार अणु के कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम में केवल एक ही रेखा नहीं होती बल्कि कई लाइनें होती हैं, एक ही रेखा नहीं होती बल्कि कई लाइनें होती हैं। और इस प्रकार एक कंपन ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों से दूसरे कंपन ऊर्जा के घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से अन्यत्र क्लोजली प्रेस जो है संकुलित स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती हैं, और ये रेखाएं कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम बनाती हैं। कम विभेदन क्षमता वाले जब स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तो ये रेखा एक चौड़ी रेखा की भांति और दिखाई देती है, और इसे हम कंपन रोटेशनल बैंड भी कहते हैं। अब है एप्लीकेशंस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसके द्वारा हम की एप्लीकेशंस क्या है, तो इसमें पहला है यौगिक में क्रियात्मक समूह का निर्धारण। तो यहाँ पर जब परावैज्ञी स्पेक्ट्रमी की अपेक्षा अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्राप्त बैंड की स्थिति, जो बैंड हमें प्राप्त होता है उसे क्रियात्मक समूह का जो, या ये हम कहें कि किसी भी परमाणु अणु में उपस्थित एक छोटे से भाग द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता है जो कि अणु की एक इकाई की तरह व्यवहार करती है। तो अर्थात अणु में उपस्थित विविध क्रियात्मक समूह या अन्य लाक्षणिक समूह के कारण अवशोषण होता है, तो ये कंपन सामान्यतः अणु की संरचना पर निर्भर नहीं करते और 1500 सेंटीमीटर -1 से ऊपर के क्षेत्र में ये अवशोषण करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रियात्मक समूह के लिए एक अभिलाक्षणिक अवरक्त स्पेक्ट्रम होता अवशोषण होता है, और ये अभिलाक्षणिक बैंड के रूप में स्पेक्ट्रम में उपस्थित होते हैं। तो जैसे मान लीजिए सी ये इसकी उत्पत्ति 1725 सेंटीमीटर -1 पे होती है, तो ये हम देख सकते हैं कि यदि कोई आसपास अवशोषण बैंड उपस्थित है तो यह बैंड जो है सी डबल बॉन्ड ओ की उपस्थिति को निर्धारित करता है। यदि हम ये माने कि 1540 से 1850 के क्षेत्र में यदि कोई बैंड नहीं है तो यह स्पष्ट होता है कि इस यौगिक में सी डबल बॉन्ड ओ समूह अनुपस्थित है, यानी कि संरचना ज्ञान हेतु किसी भी समूह की अनुपस्थिति का ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि समूह की उपस्थिति का। तो इस प्रकार से कि कोई भी समूह उपस्थित है फंक्शन ग्रुप या नहीं है तो उसकी जो है आईआर जो स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। अब है संरचना का निर्धारण। संरचना का निर्धारण करने के लिए हिलगर और हार्टले के अनुसार समान संरचना वाले पदार्थों के अवशोषण स्पेक्ट्रम समान होते हैं, और इसे हम हार्टले का नियम कहते हैं। अतः इसके लिए हम अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज्ञात यौगिक के अवरक्त स्पेक्ट्रम की तुलना अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम से के अवरक्त स्पेक्ट्रम से करते हैं, तो अज्ञात यौगिकों की संरचना का ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। और यदि ज्ञात और अज्ञात यौगिकों के स्पेक्ट्रम एक समान है तो उन यौगिकों के अवरक्त स्पेक्ट्रम के एक भाग का अध्ययन किया जाता है। यह क्षेत्र जो है 1430 से 910 सेंटीमीटर -1 तक फैला हुआ होता है, यानी
30 से 910 सेंटीमीटर माइनस वन है, ये इसको हम फिंगरप्रिंट से इसे हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। तो यहाँ ये जो है 7 से 11 माइक्रोन तक फैला हुआ है और इसमें एब्जॉर्प्शन बैंड्स की संख्या भी अधिकतम होती है इस रेंज में, और इसे हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। अब है बंध का बल नियतांक ज्ञात करना, यानी कि बंध का जब हम बल नियतांक ज्ञात करते हैं तो उस स्थिति में उसे जो उसके लिए न्यू बार या ओमेगा इक्वल टू 1/2 πc रूट के अपॉन म्यू, और इन दोनों पक्षों को वर्ग करने पर के इक्वल टू 4 π² सी स्क्वायर म्यू न्यू माइनस न्यू स्क्वायर न्यू माइनस स्क्वायर। तो इस इक्वेशन की सहायता से हम इनके बल नियतांक कम बंध का बल नियतांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड क्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो सीरीज में हम हाइड्रोजन फ्लोराइड से हाइड्रोजन आयोडाइड की तरफ आते हैं। तो अवरक्त रीजन जो है तो अवरक्त रीजन में एब्जॉर्प्शन होगा और उसकी सहायता से हम जो वेवलेंथ प्राप्त होगी और बल बल नियतांक प्राप्त होगा, इसकी सहायता से जो बल नियतांक प्राप्त होगा तो उसकी सहायता से हम जो है बल नियतांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब है यौगिक की शुद्धता का निर्धारण करना। तो शुद्ध यौगिक के अपवर्तक स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड स्पष्ट रूप से और अलग तो अलग दिखाई देते हैं, अशुद्ध होने पर अतिरिक्त बैंड और अस्पष्ट अवशोषण बैंड दिखाई देने लगते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध अगर उपस्थित है तो उपस्थिति या अनुपस्थिति का ज्ञान OH बंध की कंपन आवृत्ति में परिवर्तन की द्वारा प्राप्त परिवर्तन के संगत बैंड द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और साधारण प्रयोगों में अंतर तथा अंतराणु हाइड्रोजन बंध में विभेद करना संभव नहीं होता। विभिन्न तन्वताओं पर स्पेक्ट्रमों की एक श्रेणी प्राप्त करके इनमें विभेद किया जा सकता है, और तन्वता में वृद्धि होने पर होने के साथ अंतरणुक बंध के फलस्वरूप होने वाला अवशोषण कम हो जाता है, जबकि अंतरणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के फलस्वरूप होने वाला अवशोषण अपरिवर्तित होता है। अब है यहाँ पर हम हाइड्रोजन बॉन्ड के मामले में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति और अनुपस्थिति में जो जो कंपन आवृत्ति में परिवर्तन को हम बैंड से प्राप्त बैंड से कर सकते हैं। अभी रासायनिक बल गति का अध्ययन तीसरा है, रासायनिक बल गति का अध्ययन। तो यहाँ पर प्रत्येक समूह की एक अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड प्राप्त होती है, यह तक किसी भी अभिक्रिया में विशेष अवशोषण बैंड के बनने और धूमिल होते हुए समाप्त होकर नए बैंड के बनने से बल गति का अध्ययन किया जा सकता है। तो अवरक्त स्पेक्ट्रमों की सहायता से द्विध्रुव आघूर्णों को नापा जा सकता है। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी बंध लंबाइयों के मापन और मुक्त मूलकों के अभिज्ञान की भी अच्छी वृद्धि करती है, और अवरक्त बंध लंबाइयों के मापन और मुक्त मूलकों के अभिज्ञान को भी अच्छी विधि है। और तीसरा चौथा है सपक्ष और विपक्ष रूप का निर्धारण करने में भी अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत सहायक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।